लंच भेजा है मम्मी ने। चलो आ गए तो दुकान में बैठो, बैंक जाना है मुझको। पर पापा ध्यान रखना इसका। एक टाटा स्काई का डेली रिचार्ज देना। छोटू हाँ, ये तो वाउचर है जी, आपका फोन नंबर दीजिए मैं कर देता हूँ। अरे भैया पर ये तो इन्हीं के फोन से होगा ना, तो फोन दे दो। इट्स ओके, आई नो व्हाट टू डू, थैंक्स। नीलू नाम है, नए नए शिफ्ट हुए हैं। वैसे तो मेरा सपना मुंबई जाने का था, पर अब सोचता हूँ कुछ दिन यहीं रुक जाऊं, पापा के बिजनेस में हाथ बटा दूं। ऐसा लगता है कि अब मनु भैया का शॉप में आना जाना लगा ही रहेगा, क्यों है ना? मैं यहाँ शिफ्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मेरा दिन यहाँ लग ही जाएगा। इतनी बुरी भी नहीं है जगह, ठीक है। आई तो नहीं? अब आ गई। हेलो जी। ये काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, दूसरा ले लो। छोटू दूसरा दे। कौन से नंबर से मैसेज किया था जी? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू दूसरा दे दे। हाँ जी। अब मेरे नंबर से। नंबर क्या पता है? 8715836। रजिस्टर्ड नंबर है? नहीं, वो तो पापा का नंबर है। तो उनके नंबर से करो ना जी, सही काम करेगा। ओके, पापा के नंबर से। अब वो लास्ट टू डिजिट्स। हीरो बनता है अपने आप को, और बाल भी थोड़े अजीब से है, पार्टी भी बहुत करता है, पर क्यूट है। बस अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं रोज शॉप पे आऊंगा, पापा की भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी। ये मन्नू को अचानक क्या हो गया? आज तक इतना फोकस लाइफ में कभी नहीं देखा। ये मन्नू भैया और नीलू दीदी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसकी खुशबू मुझे आ रही है। हेलो जी। हाय। आपका नाम नीलू है ना? तो आपको मेरा नाम पता है? हाँ, वो छोटू ने। क्यों नहीं पता होना चाहिए? हाँ, ये आपका डेली रिचार्ज। और जी हाँ, मेरा नाम मनु है। आई नो। आपका तो सभी कुछ आई नो ही होता है जी। नहीं कोई नहीं जी, कल दे देना, कल तो आप आएंगी। आएंगी ना? मुझे लगता है नीलू भी मुझ में इंटरेस्टेड है, वरना वो रास्ते में मुझसे बात क्यों करती? नंबर ले लिया, नाम भी पता कर लिया, ये मनु लगता नहीं बट डेरिंग है। हेलो नीलू। हाय। वो आप दो दिन आए नहीं, आपको बुरा तो नहीं लगे ना उस दिन रास्ते में आपको ऐसे मिले? परसों आपके यहाँ पे लाइट थी। नहीं तो? ओह करेक्ट। और कल? कल मेरी छोटी बहन का एग्जाम था इसलिए टीवी ही नहीं चलाया। भैया आपने यूं ही दो दिन टेंशन में निकाल दिए। हाँ नहीं तो। मन्नू भैया का तो हो गया, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो लगा नीलू बुरा मान गई, दो दिन तक नहीं आई, थैंक गॉड। पर पता नहीं अभी वो मुझे लाइक करती है या नहीं। दो दिन में ही बुरा हाल हो गया, और अगर कहीं मुझे लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ा तो? अरे पापा, मैं करता हूँ। हो गया, श्रीनगर जाओ आज। अभी यह है सामान की लिस्ट, और टेम्पो में सामान लाद के लाना।
अंकल ये चार फुसफुस और दो नंबर की बैंगल लिख लो। और कुछ? हाँ जी। अंकल जी वो मन्नू भैया श्रीनगर गए हैं ना? हाँ। देखो क्या चाहिए। नहीं इट्स ओके, मैं बाद में आती हूँ। अंकल जी मन्नू भैया शाम को आ जाएंगे। चल अपना काम कर। पहले तो इस लड़की को कभी देखा नहीं, ये छोटू को कैसे पता? इसे टाटा स्काई का डेली रिचार्ज कार्ड चाहिए, अजीब है। पापा भी ना यार, पहले कहते थे शॉप पे आ, और अब जब शॉप पे आया तो मुझे भगा दिया। आज जब शॉप पे मुझे नीलू ने नहीं देखा होगा तो क्या सोचा होगा? मुझे आज मन्नू की शॉप पे ना होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? खाली खाली क्यों लग रहा है? भैया वहां तन्हा होंगे, दीदी यहाँ बेचैन हो रही हैं, मामला गरमा रहा है भाई। हाय नीलू। हाय। वो पापा दुकान में है। एक्चुअली कल पापा ने मुझे श्रीनगर भेज दिया तो मैं तो हम एक दिन नहीं मिले तो कुछ नहीं। एक दिन नहीं मिले तो वैसे भी मैं रिचार्ज लेने ही आती हूँ, और कल ना मेरी छोटी बहन का बर्थडे है तो कल भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ क्या नहीं। हाँ। बाय। बाय द वे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना? बाय। आज मनु से मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर उसे बता थोड़ी ना सकती, चने के दाल पे थोड़ी ना चढ़ाना है उसे। अच्छा बेटा मन्नू से पंगा, अब देखे नीलू जी क्या होगा आगे आगे। वैसे तो हमारी नीलू दीदी भी कम नहीं है, टक्कर बराबर की है। हाँ जी बेटा। इट्स ओके अंकल जी, मैं बाद में आती हूँ। यहाँ छोटू ये लड़की बार बार बोलती है मैं बाद में आती हूँ। पता नहीं अंकल जी। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई मैडम। बड़ी अजीब लड़की है, हर बार आती है बिना सामान लिए निकल जाती है, पता नहीं ये चक्कर क्या है। ये मन्नू भी ना पता नहीं कहाँ गुम हो गया, आज मैंने उसको बहुत मिस किया। भाई पक्का हो गया, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है, अब ये पता नहीं कि दोनों को कितना जलाएगी। मार्केट जा रहा हूँ मैं, ब्रेड दूध अंडा चावल और शैम्पू लेता आऊंगा। और पापा टाटा स्काई का डेली रिचार्ज भी। छोटी पापा 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 ब्रेड दूध अंडा चावल शैम्पू मैं लेके आ जाऊंगी और रिचार्ज भी, आप यहाँ पे रुको। आई एम सॉरी क्या हुआ पता नहीं। ये नीलू इतना सजेस के मार्केट क्यों जाने लगी है, पता नहीं क्या चल रहा है। पहले तो नीलू को घर के काम के लिए मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर ये आ गया अचानक, क्या हो गया? नीलू दीदी भी ना पक्का मरवाएगी किसी दिन, आज तो कितना ऑब्वियस कर दिया था। नीलू दीदी और मनु भैया के चक्कर में ना मैं जरूर फंस जाऊंगी एक दिन, बच जाऊं मैं बस किसी तरह। आज तो बच गई, पता नहीं मम्मी पापा से और कितनी दिन ये बात छुपी रहेगी। की तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल पे घर रहा मेरी दुनिया बदल रही। नमस्ते। पापा को ये सब समझ में नहीं आता, उनको क्या पता प्यार व्यार क्या होता है।
मनु के पापा को पक्का पता चल गया होगा कि कल से उसका दुकान पे आना ना बंद करा दे। छोटू मैं रिचार्ज लेने बाद में आती हूँ। नीलू मैं स्टूपिड हूँ, मुझे मन्नु पे इतनी जल्दी यकीन करना ही नहीं चाहिए था। आखिर मैं जानती कितना हूँ उसे। हो गया ना कांड, पता था मेरी लाइफ में कुछ सीधा नहीं चल सकता। पता नहीं अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बेचारे मन्नु भैया गलत फहमी का शिकार हो गए। ये प्यार व्यार चीज ही ऐसी होती है, इसीलिए हम तो से दूर ही रहते हैं। नीलू पहली बारफ की तरह तू दिल पे गिर रही है, ये दिल बिखर रहा मेरी दुनिया बदल रही, ये दिल रो रहा ये दिल खो रहा ये दिल रो रहा। जो दीदी कर रही है ना वो गलत कर रही है। नॉट फेयर। छोटू टाटा स्काई का डेली रिचार्ज देना। इतना नाराज हो गई, तीन दिन से एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। छोटू मेरे कजन की शादी थी इसलिए हम दिल्ली गए थे, और आज इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई तो है पर छोटू से बात कर रही है। शाम 5 बजे चर्च पर मिलना। नीलू भाभी नीलू भाभी अच्छा लगता है ना सुनने में। मुझे नहीं लगता आज रात मुझे नींद आने वाली है। बाय गॉड मेरी हार्ट बीट राजधानी ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही है। नीलू ने खुद मुझसे आकर मिलने को कहा है। पहली बार लाइफ में कुछ सही काम किया मैंने। पता नहीं कल तक का इंतजार कैसे करूंगा। आज पता चला किसी को मिस करना क्या होता है। मनु बोलता बहुत है घबराता भी बहुत है, लेकिन यही बात है मुझे उसकी सबसे ज्यादा पसंद आती है। आई थिंक आई लाइक हिम। कल तक का कैसे इंतजार करूं। पहली बारफ की तरह तू दिल पे गिर रही ये दिल पिघल रहा मेरी दुनिया बदल रही। तो आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैं रिचार्ज लेने आऊंगी दुकान पे और तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं मैं छोटू को भेज दूंगा। तो हम मिलेंगे कैसे? वैसे जैसे आज मिले। थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो शायद मुझे नीलू कभी नहीं मिलती।